तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, बात करेंगे आपसे फ्रेंड। इस वीडियो के अंदर में रेशियो एनालिसिस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे फ्रेंड बात करूँ रेशियो एनालिसिस का, ये वीडियो बहुत खास है। जी हाँ, जैसा आप जानते हो कि एग्जामिनेशन में आप सभी का 12 मार्क्स का पार्ट यहाँ से आने वाला, और ये एक ऐसा मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए जो यकीन मानिएगा अगर आप इसे फॉलो करते हैं पूरा, क्योंकि इसके अंदर में इस चैप्टर का हम सब कुछ देखेंगे, यानी कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एट द एंड सब कुछ देखेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे इसके अंदर में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप देखें लगातार हमारी टीम आपके लिए वर्क कर रही है, जैसे आपकी तैयारी और अच्छी हो और बेहतरीन हो और आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करके आओ। फ्रेंड आप लगातार देखेंगे हम टेलीग्राम चैनल, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उन्हें बता दें कि क्या गलती वो करके चल रहे हैं। माय डियर टेलीग्राम चैनल जिसका नेम है अभी अपडेट फॉर CUT, हम वहाँ पे लगातार आपको PDF शेयर कर रहे हैं, हम वहाँ पे आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो 2008 से लेके 2022 2022 तक के चैप्टर वाइज ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और वो ऐसे क्वेश्चंस जो इस बार, जी हाँ, जो इस बार कल यानी 31 तारीख को आपको देखने को मिलने वाला है, और ना जाने क्या क्या हम इंपॉर्टेंट PDF शेयर कर रहे हैं आप लोग के लिए कि आप बेहतरीन करके आएँ। तो माय डियर आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, अगर कोई दिक्कत आ रहा है आपको पढ़ाई करने समय, सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या करना है, वो कैसे करना है, कुछ भी अगर दिक्कत आ रहा है तो नंबर दिया गया, जैसे आप जाके कॉल करके हमसे अपनी बात कर पाएँ, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको हम सॉल्व कर पाएँ। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा है तो भी नंबर ऊपर दिया गया, आप जाके कॉन्टैक्ट करिए और हमारी टीम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देगी। माय डियर मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट PDF शेयर कर रहे हैं, मिस ना करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही खास वीडियो को, रेशियो एनालिसिस का सब कुछ यहाँ पे एक वीडियो में कवर करेंगे, हर कुछ कवर करेंगे, 20 मिनट के अंदर में इस पूरी चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और यकीन मानिएगा जो अभी आप पढ़ोगे कल इसका फ़ायदा आपको पक्का 100% श्योर देखने को मिलने वाला। अब आइए अगर स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही खास वीडियो, देखिए पहले यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहला आपका ये कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लीजिए आपका, ठीक है, देखिए फटाफट चलेंगे, जो बहुत खास है वो बताएंगे, बहुत खास है वो बताएंगे, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा PDF यहाँ पे ला दिया है, बट मैं वही बताऊंगा जो बहुत खास है कल के पेपर के लिए आइडिया, क्योंकि समय आपके पास है नहीं और टाइम वेस्ट करने का आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं, आप जानते हो। चलो आ जाओ यहाँ पे, तो क्वेश्चन पहला कहता है कि ए लिमिटेड आपका, ठीक, मतलब एक्स लिमिटेड है जिसका डेप्थ इक्विटी रेशियो 3:1 दिया गया था, अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट के हिसाब से वो चाहते हैं कि इसको 1:1 बनाए, तो बताओ उनके पास क्या चॉइस, ध्यान से समझो बात को, पहले देखो चीज़ों को समझना है आपको, इस क्लास का ये मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, कल एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो आप गलत ना करके, और ये मेरी कोशिश है, इस चैप्टर का आधा नंबर भी नहीं कम होने देंगे आपका, इस चैप्टर का आधा नंबर भी कम नहीं होने देंगे, देखिए ध्यान से, तो क्या कह रहा है डेप्थ अपॉन, देखो देखो पहले बताओ क्या कह रहा है, डेप्थ इक्विटी कह रहा है, हाँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डेप्थ ऊपर और इक्विटी नीचे, तो ये जितना भी फॉर्मूला होता है ना रेशियो एनालिसिस में ऐसे लिखा जाता है, तो देखो डेप्थ पहले लिखो अपॉन में इक्विटी लिख दो जो बोला ना, ठीक है लिख दिया सर, और ये क्या कर रहा है, ये 3:1 था, मुझे बताओ यहाँ फटाफट, अगर मैं चाहता हूँ कि रेशियो को 1:1 करना तो क्या ऑप्शन है, क्या तरीका, मुझे बताओ क्या तरीका है, यहाँ 3:1 था, देखो अगर मैं, देखो ध्यान समझो बात, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ 3 कर दूँ तो कट कट के 1 नहीं आ जाएगा सर, तो मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया सर, आपने ये बताया कि अगर मैं क्या कर दूं, मैं सर आपने ये बताया कि नीचे वाले को ना एक था, इसको अगर 2 और बढ़ा दे तो इक्विटी बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, 1:1 कट जाएगा, 1:1 आ जाएगा, हाँ सर, और दूसरा देखिए क्या, अगर मैं दूसरा ऑप्शन किया, अगर मैं इसको ऊपर 3 था इसको मैं कम करके 1 ला दूं तो क्या 1:1 नहीं हो जाएगा सर, तब भी हो जाएगा, तो मैंने क्या सिखाया कि नीचे वालों को इक्विटी को चौ बढ़ा दो तो टू इंक्रीज द इक्विटी कर दो, या फिर ऊपर डेप्थ को कम कर दो, हाँ सर कम कर दो, यही तो 2 ऑप्शन पूछा क्वेश्चन में, यही 2 चीज़ आपको करना था, बात क्लियर है क्या, बहुत अच्छे से क्लियर, आगे बढ़ जाए क्या सर, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम वही बताएंगे जो खास है आपके लिए कल के पेपर का, मैं ये और चीज़ें डिस्कस नहीं करना है, मैं जानता हूँ कि आपका समय बहुत खास है, फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लगातार आपके लिए कर रहा हूँ इतने दिनों से, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार इस वीडियो को शेयर करिएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को मिस मत करो आप,
अब देखो क्वेश्चन टू क्या कह रहा है आपका कि आपको देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन स्टेट द सेटिस्फैक्ट्री रेशियो ऑफ आन दीजिए पूछ रहा है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि करंट रेशियो का आइडल क्या माना जाता है तो ध्यान दीजिएगा करंट रेशियो का आइडल माना जाता है 2:1 याद कर लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लिक्विड रेशियो का क्या माना जाता है सर लिक्विड रेशियो का क्या मानते हैं 1:1 ध्यान दें क्या यस सर अब आगे देखते हैं देखिएगा वही चीज़ बता रहे हैं जो खास है ठीक है आगे देखो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ 6 पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का हर कुछ बता के जाएंगे देखिएगा क्या कहता है एक कंपनी है जिसका करंट रेशियो क्या था 4:1 चलो ठीक है लिखो पहले मेरे सामने लिखो मेरे सामने आप सर लिख लेते हैं क्या लिखो तभी तो समझ में आओगे देखो तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी वेरी गुड क्या दिया गया 4:1 यानी कि ये 4 है ये 1 चलो आ गया जाओ एंड क्विक रेशियो क्या दिया गया देखो क्विक रेशियो क्या दिया गया सर क्विक रेशियो दिया गया है सर क्विक रेशियो दिया गया 2.5 अच्छा मुझे बताओ फटाफट कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है तो सर आपने पहले पढ़ाया था हम लोगों को क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है जब भी हम लोग करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर दें और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करंट एसेट में से जब इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो मेरा आ जाता है लिक्विड एसेट वही बात हुआ अपॉन में करंट लायबिलिटी बात क्लियर क्या सर बहुत अच्छे से क्लियर अब ध्यान से देखो आप यहाँ पे तो यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे ये कह रहा है कि क्यू के रेशियो कितना हमारा वो हमारा 2.5:1 हमारा बिल्कुल सर अब ध्यान समझो बताओ टोटल करंट एसेट कितना हमारा होगा पूछा बताओ टोटल हमारा करंट एसेट मतलब कितना होगा और करंट लायबिलिटी हमसे यहाँ पे क्या कर रहा है ये पूछ रहा है तो देखो क्या हो जाएगा आप देखिए ध्यान दीजिएगा तो आप पहले बताओ देखो जब ध्यान से देखिएगा जब पूरा करंट एसेट था तो कितना था सर 4 था और जब हमने लिक्विड एसेट निकाला क्या लिक्विड एसेट का मतलब क्या होता है आइडिया सर जब करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ गया सर 2.5 आ गया ना हाँ सर तो मतलब ये बताओ कि हमने कितना माइनस किया होगा करंट एसेट में से कितना माइनस किया होगा कि ये 2.5 बन गया सर सिंपल सी बात है आपने 1.5 माइनस किया होगा बिल्कुल बहुत सुंदर क्या बात है 1.5 आपने माइनस किया तो अब 1.5 आपका आ गया यस सर आ गया अब इसी पर रख के निकाल दो पूरा काम इतना आ गया तो अब इसी को रख के पूरा निकालना चीज़ों को बात समझ रहे हैं आपका मतलब कि अगर आपका इन्वेंट्री कितना अगर आपका इन्वेंट्री 1.5 है तो करंट एसेट कितना आपका आएगा सर 4 आ जाएगा बहुत अच्छा अब इसी पर रख के निकालना चीज़ों को आप निकाल लो आपका आ जाएगा कि अगर इन्वेंट्रीज देखो 1.5 है तो ये 4 है अब मुझे बताओ अगर इन्वेंट्री इतना हुआ तो करंट एसेट कितना होगा सिंपल सी बात है निकाल लो सिंपल सा कैलकुलेशन निकालना आपको सिंपल सा कैलकुलेशन अगर इन्वेंट्रीज कितना है आपका अगर इन्वेंट्रीज 2.5 है ठीक है तो वो 4 था तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2.5 का मतलब कितना है यहाँ इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 2.5 का मतलब यहाँ पे सॉरी 1.5 इसका मतलब ये हुआ इन्वेंट्रीज 1.5 का मतलब होता है 2.2500 ये निकालना तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 1.5 से ठीक है सर और क्योंकि हमें निकालना है करंट एसेट को तो इनटू 4 सप्लाई कर लो आपका आ जाएगा यहाँ पे फिगर 60,000 क्लियर क्या जैसा मतलब सिंपल सा चीज़ सिंपल चीज़ है ठीक है ना फ्रेंड अगर देखिए दिक्कत आ रहा है समझ में तो क्या करना ऊपर नंबर दिए कॉल तुरंत करिए आपकी टीम बैठी है कि आपकी तैयारी बेस्ट हो जाए तो अगर कोई दिक्कत हो मुझे तुरंत बताइए ठीक आगे देखो आप अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो उठाते हैं जो खास आप लोग लिए देखिए यहाँ पे ये देखो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे ये देखिएगा ये बहुत खास क्वेश्चन है फ्रेंड देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना और सेल्स निकालना क्या दिया गया है एवरेज सेल दिया गया क्वेश्चन का वो था आपका 80,000 रुपये ठीक है सर ठीक है स्टॉक टर्न देखिए जो मैं सिखा रहा हूँ ध्यान से समझते चलिए क्वेश्चन सही कहलाने वाला है गलत मत करके आना ठीक है ना यार क्वेश्चन का नंबर चेंज कर देगा बाकी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कुछ क्वेश्चन का तरीका अपना यही होने वाला देखो आप क्या बोला आपका एवरेज स्टॉक 80,000 दिया गया ठीक है सर दिया गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया गया सर 6 times दिया गया था सेलिंग कॉस्ट कितना दिया गया सर सेलिंग कॉस्ट हमारा 25% अबव कॉस्ट बोलता है बिल्कुल सही बात अब ध्यान से मुझे बताओ आप मुझे बताओ सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन में एवरेज स्टॉक मतलब क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 बात क्लियर है क्या सर बहुत ही अच्छे से सर क्लियर हो गया चलो आगे बढ़ जाए क्या बिल्कुल सर आगे बढ़ जाते हैं अब देखिए क्या बोला आपका अब देखो आप तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया गया आपका सर 6 दिया गया हाँ सर लिखो 6 लिखो आप यहाँ पे अब मुझे बताओ फटाफट यहाँ पे
कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है क्या आपका यहाँ पे, ऐसा नहीं दिया तो उसको ऐसे रन दो आप। अब मुझे बताओ एवरेज स्टॉक कितना दिया, एवरेज स्टॉक 80,000 दिया गया, तो ठीक है लिखो 80,000 आप। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, आपको कितना आपका जाएगा फिर कॉस्ट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका जाएगा 48,000। कितना आ जाएगा 48,000। अब ध्यान से देखो, आप बात क्लियर किया। अब देखो क्या कह रहा है आपका, आपका ये कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, वो 25% ज़्यादा है हमारा, मतलब कि इस कॉस्ट का वो 25% क्या ज़्यादा है हमारा। तो ठीक है, आप पहले इसका 25% निकालो, तो इसका 25% निकालो कितना हो जाएगा आपको, देखिए 48,000 इंटू आपका हो जाएगा 1/25% आप काट लो, आपका जाएगा यहाँ पे 1/4 आपका जाएगा 12,000, और इससे ज़्यादा था यानी कि ऐड कर लो तो आपको जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा 60,000 क्या सेल्स आपका, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, 60,000 फ्रेंड क्या आपके यहाँ पे सेल्स, ठीक है ना फ्रेंड। ठीक, आप कितना आपको हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, आपको जाएगा यहाँ पे 60,000 आपका फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल यस। आगे बढ़ जाए क्या यार, अब देखिए अब आपका यहाँ पे क्या आ गया, आपका सेल्स आ गया 60,000 का, यस सर। अब आप क्या करना है, ये तो पूरा काम पूछा आपसे, क्या पूछा आपसे, पूछ रहा है बताओ सेल्स कितना होगा और ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 12,000 जो मेरा एक्स्ट्रा बन रहा था, और सेल्स क्या हो जाएगा आपका 60,000 आपको बन जाएगा। बात क्लियर क्या, बिल्कुल सर। आगे बढ़ जाए क्या, यस। अब देखिए अब ऐसा कुछ मैं निकाल रहा हूँ जो बहुत खास आप लोग के लिए यहाँ पे फ्रेंड। अब जाइए यहाँ पे आइएगा, अब देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है आपको यहाँ पे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। चीज़ें टोटली सेम है, अब आप इसे प्रैक्टिस करिए, बताइए आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ रहा है। सेल्स ये दिया गया, एवरेज स्टॉक ये दिया गया, और ग्रॉस लॉस रेशियो आपका फ्रेंड यहाँ पे ये दिया गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन अभी मैंने आपको बता दिया है, क्लियर फ्रेंड आपका यहाँ पे, यस सर। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन जो मुझे आपको दिखाना है यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे देखिए, बिल्कुल अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको तीन चीज़ सीखने को मिलेगा, डेप्थ इक्विटी रेशियो भी देखने को मिलेगा, TA/DR एंड टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो देखने को मिलेगा, और PR प्रॉपर्टी रेशियो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। यानी कि तीन चीज़ आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन से मैंने आपको क्लियर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखिए क्या करें आपको, डेप्थ इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो और प्रॉपर्टी रेशियो। देखिए क्या करें आपका, पहला क्या आपका लिखा गया फ्रेंड, आपका पहला लिखा गया डेप्थ इक्विटी रेशियो। मुझे बताओ डेप्थ इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सर अभी मैंने क्या सिखाया आपको, नाम देखो डेप्थ अपॉन इक्विटी, मतलब क्या डेप्थ अपॉन इक्विटी बोला। अब मुझे बताओ फटाफट यहाँ पे कि यहाँ पे डेप्थ क्या दिया गया, तो डेप्थ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्थ इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हमारा हो जाता है डेप्थ अपॉन इक्विटी हमारा, यस सर। मुझे बताओ यहाँ पे डेप्थ क्या किया है, सर यहाँ पे डेप्थ मुझे दिखाई दे रहा है, देखो ये तो डेप्थ है, नहीं पहली बात है डेप्थ, सर ये डेप्थ है और नीचे ये दोनों में डेप्थ है, हाँ सर। तो आप इसे ऐड कर लो पूरा, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 10,00,000 प्लस 8,00,000 आपका हो जाएगा सर यहाँ पे 18,00,000। चलो आगे बढ़ जाते हैं, गुड वेरी गुड। अब आगे देखो 18,00,000 हमारा हो गया, अब आगे देखो क्या बोला आपका, अपॉन में इक्विटी, अब बताओ इक्विटी का मतलब क्या हो जाता है, इक्विटी में यहाँ पे क्या आता है, इक्विटी के साथ यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी वाला आ जाएगा, रिजर्व आ जाएगा। तो कितना आपको जिसको ऐड कर लीजिए आपको जाएगा यहाँ पे 32। आप सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो आपका आंसर, मैं काट ना बता दूँ आपको कितना आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका इतना आ गया। ठीक है फ्रेंड, आप क्लियर हो गया, यस। आगे देखो दूसरा आपको बोल रहा है ना कि टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो। अब देखो आप अभी आपने डेप्थ निकाला, हाँ सर डेप्थ निकाला, डेप्थ कितना आपका आया था, सर डेप्थ आपका आया था यहाँ पे 18,00,000, क्लियर है, हाँ सर। अब निकालना क्या आपको, निकालना है यहाँ पे टोटल एसेट, क्या निकालना आपको, देखें टोटल एसेट निकालना। अब देखिए टोटल एसेट का एक फॉर्मूला याद रखिएगा यहाँ पे, टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या आपका क्या होता है, देखिए टोटल एसेट की पहली बात है बहुत फॉर्मूले हमारे, ठीक है, बट उसमें से एक फॉर्मूला अभी आपका होता है टोटल एसेट ना, कि जितने भी एसेट से जोड़ दो, या फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, जितने भी एसेट से जोड़ दो आप उसका, आपको मिल जाएगा टोटल एसेट। तो यहाँ पे इसको जितने आपके यहाँ पे एसेट्स यहाँ पे दिखाई देना, आप इन सभी को यहाँ पे क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। कितना ऐप ऐड यहाँ पे देखिए आएगा, ऐड करने भैया देखिए ऐड कर लीजिए पूरा आपके यहाँ पे, ये देखिएगा तो आपके यहाँ पे फ्रेंड कितना आपका ऐड करने पे आपका आ जा रहा है यहाँ पे, वो देखिए यहाँ पे फ्रेंड मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए आप 47 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो आपका आ जाएगा 2.6 इंटूशन, क्लियर हो गया, यस सर। अब देखो तीसरा आपसे पूछ रहा है बताओ प्रॉपर्टी रेशियो, क्या पूछ रहा है आपसे प्रॉपर्टी रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला आपका होता है फिर यहाँ पे इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। अब इक्विटी आपने ऊपर क्वेश्चन में इक्विटी साफ से ऊपर दिया गया था, इक्विटी कितना आपका इक्विटी में दोनों आपका आता है, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल डिफरेंट, इक्विटी के अंदर में हमारा क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है और रिजर्व भी आता है, तो दोनों को ऐड कर दिया 32 हमारा हो गया सर, अपॉन टोटल एसेट अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 47, तो उसको डिवाइड कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर हो गया, यस सर। अब आगे बढ़ते फ्रेंड देखिएगा, अब आगे देखिए फ्रेंड यहाँ पे, अब देखिए कुछ आपसे कुछ डेफिनेशन देखिएगा, एग्जाम में आपका आ सकता है बताओ अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, तो अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो रिलेशन बताता है दो अकाउंटिंग फिगर्स के बीच में, दो लिमिटेशन बताना है आपका रेशियोसेस का, ये कभी भी देखिए इसमें मतलब होता है क्या ना कि ये जो एक्चुअल प्राइस लेवल होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, और दूसरा इसके अंदर में बाइसनेस हो सकता है, इसके अंदर में अलग अलग पॉलिसीज़ हमारी हो सकती हैं। अब आगे देखिएगा,
ये देखिएगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया गया फंड किसी भी कंपनी का आपका वो 50% दिया गया, ठीक है सर। स्टेट विद रीजन, आपको रीजन देना है वेदर द डिक्रीज इन रेंट रिसीव्ड बाय ₹15,000 विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज। अभी क्या बोला आपको देखिएगा, कह रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था किसी फर्म का किसी कंपनी का वो 50,000 था। आपको रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है कि क्या जो अगर मैं रेंट आपका डिक्रीज होता है 50,000 से, आपका 15,000 से डिक्रीज करता तो क्या रेंट, अच्छा रेंट अगर आप रिसीव करते हो 50,000 का तो वो क्या होगा, उससे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा या फिर कोई भी चेंज नहीं करेगा। अब ध्यान देखिए, देखिए फ्रेंड बहुत सिंपल बात है, मुझे बताओ यार रेंट, पहली बात है क्या रेंट आपका, क्या रेंट आपका किसका पार्ट है, रेंट बताओ मुझे, बताओ रेंट किसका पार्ट है। सर रेंट जो होता है ना हमारा, सर जो रेंट होता है ना हमारा ये पीएल में जाता है, कहाँ जाता है पीएल में, और पीएल से क्या निकलता है सर, पीएल से नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता है। तो मुझे बताओ क्या रेंट का ग्रॉस प्रॉफिट से कोई लेना देना है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यार जब लेना देना ही नहीं तो क्यों यहाँ पे आ जाएगा, बात समझ रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट उसमें ग्रॉस प्रॉफिट की बात है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में वही चीज़ आती है जो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है। पीएल का पार्ट तो जाता है कहाँ पे, एनपी में जाता है, नेट प्रॉफिट का पार्ट होता है हमारा, तो यहाँ पे आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। बात क्लियर है क्या, हाँ सर ये बात क्लियर, तो कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, अभी देखिए मैंने आपका लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये एग्जाम आपका पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। लिक्विडिटी रेशियो आपके कैलकुलेट किए जाते हैं क्या, चेक करने के लिए कि आपके फॉर्म का आपके बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसे है, शॉर्ट टर्म के अंदर में आपका स्ट्रेंथ क्या, क्या आप पे कर पाते हो, पेमेंट कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, तो शॉर्ट टर्म के अंदर में आपकी पोजीशन चेक करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बात क्लियर क्या जैसे, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, लिक्विडिटी रेशियो मतलब क्या, शॉर्ट टर्म की चीज़ों को चेक करने के लिए, और जब क्वेश्चन में बोलेगा सॉल्वेंसी रेशियो तो लॉन्ग टर्म का चेक करने के लिए, तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना है। लिक्विडिटी मतलब होता है शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी चेक करने के लिए, और सॉल्वेंसी रेशियो मतलब होता है लॉन्ग टर्म की चीज़ों को चेक करने के लिए, लॉन्ग टर्म की चीज़ों को चेक करने के लिए। बात क्लियर है, दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया, एग्जाम में गलत करके मत आइए। अब देखिएगा एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए एक्टिविटी रेशियो टर्नओवर रेशियो में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर में ना हम अपने बिजनेस का एफिशिएंसी बताते हैं कि हमारी बिजनेस कितना एफिशिएंट है, क्या परफॉर्मेंस हमारे बिजनेस दे रहा है, ये हमें पता चलता है एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो से। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये बताता है कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिट की पोजीशन क्या है, समझ रहे हैं, हमारा सेल्स कैसा चला, हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा चला, प्रॉफिट को बनाने का तरीका, इस समय कैपेसिटी चला हमारे बिजनेस का। आगे बढ़ते फ्रेंड, अब ये देखिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये फ्रेंड देखिए जितने हमारे चार फॉर्मूले हैं ना, चार रेशियो हमारे, इसको याद कर लो। अभी मैं अपने टेलीग्राम, ध्यान दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर नेम है अभी अपडेट फॉर सिटी, पहली बात यार माइडिया आप तुरंत चक्कर से ज्वाइन कर लो, पहली बात है हम वहाँ पर ना क्या करें, इस चैप्टर का जितने भी फॉर्मूला एक पेज पर लिख के आपको भेज दे रहा है, एक पेज पर लिख के मैं आपको भेज रहा हूँ, जाके जरूर ज्वाइन करिएगा और वहाँ पर पेज उठाइए, क्योंकि वो याद कर लो उससे ना, तो फॉर्मूला से ना इस बार मुझे ऐसा लगता है कि मैच द फॉलोइंग आ सकता है, बताओ ये किसके अंदर का फॉर्मूला, तो अगर आप याद करोगे फॉर्मूला तो क्वेश्चंस भी हो जाएगा, लिख भी लोगे अंदर की चीज़ें, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, और मैच द फॉलोइंग एमसीक्यू में आ गए तो कर भी ले जाओगे आप, बात समझ रहे हैं, यस सर। तो उसको देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल नेम आपको अभी अपडेट फॉर सीयूटी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ऊपर नंबर दिया गया, कोई दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं, अब इसको देखिएगा शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालना, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया आपका, इसको देख लो अच्छा से, इसको याद कर लो कि शेयर होल्डर्स फंड निकालते कैसे। आगे देखो फटाफट, मैं बताई दिया कि आपको प्रॉपर्टी रेशियो का मतलब क्या होता है, मैं बताई दिया कि प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं देखिए अभी मैंने क्या सिखाया आपको, प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैंने लिखा बताया आपको यहाँ पर ना, क्या बताया मैंने आपको प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला आपने बताया, इक्विटी अपॉन, क्या बताया मैंने, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, क्या फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला हमारा, किसका फॉर्मूला हमारा सर, आपने बताया कि इसकी ये फॉर्मूला हमारा होता है प्रॉपर्टी रेशियो का। तो देखिए जो चीज़ बता रहे हैं ना वही चीज़ हम इंपॉर्टेंट है, आप उसको एकदम अच्छे से मगअप करके जाओ, एग्जामिनेशन में आए तो गलत ना करके बस आ पाए। देखो यहाँ लिखा है कि आपका प्रॉपर्टी रेशियो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, बात क्लियर क्या, बिल्कुल सर क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं फिर जैसा, देखिएगा ये प्रोग्राम मैंने आपको बताई दिया, यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो खास बात, ये देखिएगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कुछ आपको एग्जांपल दें, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, या लॉस हो रहा है फिक्स्ड एसेट्स पे, या लॉस हो रहा है फायर द्वारा, थेफ्ट द्वारा, या इन्वेस्टमेंट, तो ये सभी क्या आपके नॉन ऑपरेटिंग हमारे एक्सपेंसेस है। बात क्लियर है, अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलोगे तो क्या बोलोगे आप, डिविडेंड रिसीव्ड बोलोगे, इंटरेस्ट रिसीव करते हो इन्वेस्टमेंट पे वो बोलोगे, और प्रॉफिट जो आपको हो रहा है सेल्स और फिक्स्ड एसेट पे तो वो बोलोगे। बात क्लियर क्या यस सर, अब आगे देखिए मैंने आप अभी से देखो आप फटाफट क्वेश्चन को, अभी क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि वर्किंग कैपिटल हमारे फॉर्म का 36,000 था, यस सर, करंट रेशियो क्या था 2.8 रेशियो 1 है,
इन्वेंट्री हमारा 16,000 दिया गया था। पूछ रहा बताओ वर्किंग करंट एसेट क्या होगा, करंट लाइबिलिटी क्या होगा, क्विक रेशियो क्या होगा। अभी इस क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया क्वेश्चन को कैसे करना, अभी होमवर्क आपका कि आप इस क्वेश्चन को करें और मुझे टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर बताएं या तो नीचे कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं कि सेम क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था, वहाँ पर नंबर्स अलग थे, बस करने का तरीका टोटली सेम हमारा वहाँ पर भी था यहाँ पर भी है। क्लियर है बात आपको? यस। आगे देखते हैं फ्रेंड, देखिए कुछ आगे खास क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये भी देखिए फ्रेंड, आप ये देखिए हमने इसको भी देख लिया कि डेप्थ इक्विटी रेशियो निकालना कैसा है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग के लिए ये आगे देखते हैं, आप कुछ और खास आपको मिल जाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसको ये इसको थोड़ा सा फॉर्मूला आप इसको याद कर लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या आपका क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर आईटी यानी इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, इस फॉर्मूले को आप क्या कर लो याद करो अच्छे से। ठीक है फ्रेंड, आप लोग का ये हो गया। चलिए फ्रेंड, इतना रखना है जो मुझे बताना था आपको इस चैप्टर के अंदर में जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अब इससे आप लोग लगा लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पूरी कोशिश करेंगे कि इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को मिल रही है और भी मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।